हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि लॉकडाउन है और बच्चों की ऑनलाइन स्कूल चल रही है और मदर्स भी बिजी रहती है घर के कामों में, तो बच्चों को इंगेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो जैसे सारे बच्चों की ऑनलाइन स्कूल चल रही है तो वो लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी आज स्कूल में पढ़ाया गया उसे बच्चे को रिवाइज करवाना है। स्टार्टिंग में आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, फिर आपको जैसे स्कूल का सिलेबस वो रिवाइज कर लेते हैं जो भी टीचर ने करवाया है, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ कराना चाहती हैं तो फाइंड आउट करके आपके बच्चे की हॉबीज़ क्या हैं। आपको इनके हॉबीज़ पे ध्यान देना है, जैसे अगर उन्हें योगा पसंद है या डांस पसंद है तो योगा के भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो, अगर आपको भी आता है तो आप सिखा सकते हैं। डांस के भी आजकल बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, तो डांस भी बच्चों को सिखा सकते हैं। आप एक टाइम फिक्स कर लें कि ये टाइम पे आपको बच्चे को लेकर बैठना है। ड्राइंग पे पेंटिंग, अगर बच्चे की हैंडराइटिंग ख़राब है तो हैंडराइटिंग पे फोकस कर सकते हैं। कैलीग्राफी, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें कैलीग्राफी आप घर पे सिखा सकती है। और बच्चे का अगर इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप किचन में उनको अपने साथ लेके जाकर नई नई रेसिपी भी बना सकती हैं। और डायरी एंट्री होती है, डायरी राइटिंग होती है, ये भी बच्चों में अभी आदत डालेगी तो बहुत अच्छा है। इससे भी बच्चों की इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होती है और टाइम भी मैनेज कर पाते हैं। अब घर के भी कामों में आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। छोटे छोटे कपड़े कैसे तय करने हैं, डस्टिंग कैसे करनी है, तो छोटे छोटे काम बच्चों को, रेस्पॉन्सिबल भी बच्चे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप करवा सकती हैं। उन्हें वर्कशीट्स वगैरह भी प्रिपेयर करके दे सकते हैं स्कूल से रिलेटेड या अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। स्टोरी बुक्स भी बच्चों को पढ़ने के लिए ये मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि वो जितना रीड करेगी वोकैबुलरी उनकी उतनी इंप्रूव होगी। क्विलिंग वगैरह जो है वो बच्चे सीख सकते हैं। स्टोरी राइटिंग उन्हें स्टोरी पढ़ने के लिए दीजिए, फिर खुद क्रिएट करने के लिए दीजिए, कुछ कैरेक्टर दे दीजिए। स्टोरी राइटिंग में भी आप उनको हेल्प करा सकती हैं, क्या स्टोरी राइटिंग वो खुद से क्रिएट करें। लैंग्वेज, जो कोई नई लैंग्वेज अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो भी, ये लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी होती है, जर्मन फ्रेंच जो भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो आप सिखा सकते हो। या ऑनलाइन ऐप में भी बहुत सारे लैंग्वेज के फ्री ऐप्स होते हैं, तो उसमें भी आप बच्चों को रजिस्टर करा सकते हो। और आपको मैथ्स और साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो मैथ्स और साइंस का जो भी उनका स्टडीज़ है तो ये चीज़ को आप मत भूलिए, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ये दो सब्जेक्ट तो आप बच्चों के साथ लेकर बैठिए ही बैठिए। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी उनको वर्कशीट बना के दीजिए। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप बच्चों के साथ घर पर भी कर सकती हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको बच्चे के साथ करना है। मतलब स्कूल में जैसे EBS की बुक होती है, साइंस की बुक होती है, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपका टाइम भी बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड कर पाएगी और प्रोडक्टिव भी होगा वो टाइम। अब अगर जैसे आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके साथ मैजिक पेंटिंग कर सकती हैं, फोनिक्स उन्हें सिखा सकती हैं, उनके लिए स्टोरीज रीड कर सकती हैं। जैसे पंचतंत्र, ये है कि स्टोरी जब भी आप रीड करें तो उस पर फिंगर रख के रीड करें, और बिग फॉन्ट साइज़ के जो अल्फ़ाबेट्स है वैसे स्टोरी लीजिए। क्राफ्ट एक्टिविटी करा सकती हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकती हैं, मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।